यो तो हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स गेमिंग व्यू 10.2। एंड आज से हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्राफ्टमैन क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में एक न्यू जर्नी। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं स्पॉन हो चुका हूँ कुछ इस वाली बायोम में। इस बायोम का मुझे नाम सही से नहीं पता, शायद 7 बायोम। तो इसमें सबसे पहले आने में क्या करना होता है भाई, सबको पता है कि वोट इकट्ठा करनी होती है। तो वोट फटाफट से इकट्ठा करते हैं, थोड़ी बहुत करेंगे। उसके बाद फिर स्टोन के टूल्स बनाएंगे, फिर आयरन में कन्वर्ट करेंगे। इस वर्ल्ड को हमें बिल्कुल ओपी बनाना है, समझ रहे बात को। तो बस इतनी वोट काफ़ी है। तो आप फटाफट से प्लैंक बनाते हैं और ये मेरी प्लैंक में बन जा भाई। 8 प्लैंक बन गई। अब एक क्राफ्ट टेबल और थोड़ी सी स्टिक बनाते हैं। तो क्राफ्ट टेबल को यहाँ रखते हैं, हाँ चलो। उसके बाद बनाते हैं हम थोड़ी सी स्टिक्स। अरे यार क्या चीज़ ख़त्म हो गई, प्लैंक ख़त्म हो गई यार, मैं भी टेंशन ले रहा हूँ इसी में। अब पिक्सेस बनाते हैं और पिक्सेस के अलावा भी कुछ नहीं बनाएंगे, सही है, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा स्टोन जमा करना पड़ेगा। तो फटाफट से स्टोन कलेक्ट करते हैं, जहाँ से चलते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत स्टोन दिख रहा है, तो जल्दी जल्दी यार इसको भी कहाँ से घूरूँ। ये लो, तुम्हारे भाई ने दम लगाई, तुम्हारा भाई स्विमर है यार। चलो यहाँ से, अरे ऊपर आ भाई, डूब जाएगा इसी में। तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस फर्नेस हमारा बन जाए और स्टोन के टूल्स कलेक्ट हो जाए। और भाई ये देखो कोल भी मिल गया, इसमें एक फ़ायदा है भाई, कोल भी मिल जाता है इस तरह के मायने में। तो जल्दी से ये करते हैं और हो जा ज़्यादा। और तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तब तक ये देखो मेरा कोल भी इकट्ठा हो गया। तो अब मैंने, अब भाई सीधी बात, अब मुझे थोड़ा बहुत ये स्टोन भी इकट्ठा करना है, क्योंकि मुझे फर्नेस बनाने से और उसके बाद फिर थोड़ा सा टूल्स बनाने अपने, और थोड़ा बहुत अपने रिजर्व में भी रखना पड़ेगा, मतलब कि चढ़ने क्लाइंब वगैरह ही काम आएगा, ठीक है। तो 12 में तो अभी काम नहीं हो पाएगा हमारा, अच्छा खासा हमें जमा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत यार हो जाएगा। उसके बाद इस वर्ल्ड को हमें यार बहुत अच्छे बनाना है, अपने लिए ट्री हाउस बनाएंगे, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और इस वर्ल्ड को एकदम नेक्स्ट लेवल बना दूंगा। चलो 22 हो गए। अब क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर गए, सबसे पहले हमारा एक एक्स आएगा, उसके बाद एक सॉर्ड और एक पीसेस। तो ये चीज़ें हो गई, इसको थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब हम चलते थोड़ा बहुत, या एक काम करें, इस कोल को भी उठा ही लेते हैं हाथों हाथ, पता चला कब कोल की कमी हो गई भाई, माइनिंग वाइनिंग में गए हम, पता चला टॉर्चेस की बनाने के लिए कोल जाएगा, कोल ही नहीं है इन्वेंटरी में। तो भाई कोल इकट्ठा कर लेते हैं। तो ओके गाइस, तुम्हारे भाई को अच्छा खासा कोल मिल गया भाई। अब ऊपर जाने का रास्ता मेरे को ढूंढना है, लेकिन तो भाई यहाँ क्या डॉगी बोगी कोई, अरे भाई ऊपर, अरे अरे यहाँ तो मैं डूब के मर जाऊँगा भाई, ऊपर ऊपर। अब साक्षा सही, ये मुझे शायद तोड़ना पड़ेगा, अरे अरे। तो यार मैं थोड़ा सा ऊपर पहुँचूँ फिर तुम लोग से मिलता हूँ। तो ओके गाइस, बड़ी मुश्किल से देर बाद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और हमारा अगला गोल है इस शीप को मारना। मजाक कर रहा है, अगला हमारा गोल है बेड बनाने, क्योंकि रात होने से पहले बेड बनाना है। अगर बेड नहीं बनाया तो पहली रात ही हमारी बिल्कुल बेकार गुजर जाएगी, मतलब फर्स्ट डे ही हमारी डेड होएगी, समझ रहे हो बात को। तो भाई ऐसी में सीट मिल गया क्या, अभी हमें क्या यार एक और सीट ढूंढनी है। और अगर थोड़ा बहुत विलेज भी मिल जाए तो बुरा नहीं है, मतलब यार बहुत अच्छा ही है हमारे लिए। तो अभी मैं वोट भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मुझे विलेज मिल जाता मैं विलेज की तलाश में हूँ। अगर विलेज नहीं मिला तो एक काम करते अपने माइंड ढूंढ लेते, अब तक आयरन के टूल्स हम कन्वर्ट करें ना, कब तक स्टोन के टूल्स ही घूमेंगे, ऐसा ना हो ना। चलो भाई अब हम थोड़े रोते एक प्याई सी रवेन, तो पीछे शायद एक रवेन नहीं यार, नहीं थी वो, वही थी जहाँ मैं अटका था, वो दोबारा जाने का मेरा वहाँ मन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यार, अबे भाई यार क्या दरक हर दरक लाया है, वैसे अच्छी बात है लेकिन फिर भी ऐसे मत लगाओ मुँह पे, देख के लगाओ ज़रा थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत खाना भी जमा करना है, क्योंकि अगर फूड की कमी हो गई ना मैं तो भाई सीन हो जाएगा। तो जल्दी से मैं थोड़ा बहुत, ये शीप भी नहीं मिल यार, देखो पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा हुआ है। और ये देखो माइन मिल गई, नहीं यार ये वाली वाटर वाली है, यहाँ पर मैं जानते जाऊँगा पूरा वाटर भरा होगा, ये नहीं चाहिए।
चाहिए एक सीधी भाई प्यारी सी माइंड, समझ रहे हो। तो अभी हम चलते हैं, तो शिव यस दो है बोल दो, दो यस। अब हमें यहाँ से इसको ले ले, अबे इधर आना हाथी, देख रहे हो कितने भाई की क्रेड। अब इसको तो एक ही क्रेड में होगा, ये लो बोला था ना। चलो अब हमारा अगला गोल है माइन के, आयरन के टूल कन्वर्ट करने, और यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें आयरन मिल सकता है। तो जल्दी जल्दी नीचे उतरता हूँ और उसके बाद यहाँ से माइनिंग करते हैं आयरन की शुरू। तो आयरन, अबे भाई नीचे बहुत गहरा ही नहीं है, अबे भाई ऊपर आयरन कहीं दे दो यार, थोड़ा सा आयरन चाहिए बस, टूल बन जाए मेरे काम हो जाएगा, मैं निकल लूँगा। फिर नीचे तो मैं चले जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मर मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारा भाई प्रो है भाई। वो तो किसी ने कुछ नहीं देखा, सही है होता है, तुम लोग भी क्या करते नहीं हो, बात कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, अपने लिए टॉर्च बनाते हैं, टॉर्च बन गई अपनी, यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग होएगी, टॉर्च लगाते हैं। और भाई ये देखो बोला था ना बहुत सारा आयरन मिलेगा, तो भाई केव में नीचे गहरी वाली केव में हमें बहुत सारा आयरन मिलता है, ऊपर ऊपर ना बस दो तीन या एक भी मुश्किल से लगा होता है। ये देखो अंदर अंदर तक घुसा हुआ आयरन, इसको भी तोड़ते हैं, सारा आयरन लेके आएंगे भाई, एक एक आयरन में ना हमारे लिए पूरा, बाद में आयरन का फार्म भी बनाएंगे, फिर आयरन की कमी नहीं होगी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने देंगे। और अभी टॉर्चेस अभी के लिए यहाँ लगाया तो मैं, और दोबारा शुरू हो जाता हूँ आयरन के लिए। अभी देखो हमें आयरन का क्या क्या बनाना है, हमें अपने टूल्स बनाने, और अगर आयरन के लिए आर्मर का भी हो गया तो आर्मर भी बना लेंगे ताकि हमारी सेफ्टी हो जाए, ठीक है, ताकि अगली बार से कहीं डरना वरना ना हो ना कि रात भी हो जाए, ये मसला है वो मसला है। वैसे हमने बैट का तो हो गया तो वो टेंशन नहीं है अपनी। तो इतना हमें कितना आयरन मिले, 17 आयरन मिले, 17 आयरन को मैं सामने रख लेता हूँ। और आप चलते ऊपर की तरफ, तो कॉबलस्टोन को क्लाइम करते हुए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ से अब मुझे को दोबारा से कॉबलस्टोन का रख के, हाँ कॉपर भाई यार कॉपर क्या है, कॉपर मुझे समझ नहीं आता, इतना बिल्कुल बेकार सा लगता है मुझे तो, इसको किसी काम का नहीं लगता मुझे। चलो ऐसे स्पाई ग्लास वगैरह काम आता है, लेकिन स्पाई ग्लास वगैरह इस्तेमाल हम तो नहीं करते, तुम करते हो तो बताना, ये छोड़ते हैं। और ले ले करते चला। चलो अब हमारे पास कितना फूड, हमारे पास अच्छा खासा फूड भी हो गया, ओके 9 फूड हो गया। अभी हमें क्या करना है, फर्नेस बना के या स्मोकर बना ले काम करते, स्मोकर में क्या होगा हमारा कोल भी बचेगा, और हाँ एक फर्नेस और एक स्मोकर बनाते हैं, फर्नेस में हमारे आयरन हो जाएगा और स्मोकर में हमारा फूड स्मेल हो जाएगा, ठीक है। तो अबे यार नहीं बोलो, अब यार वापस से कॉबल स्टोन माइन करने जाना पड़ेगा यार, मैं जा रहा हूँ, अबे यार वहाँ ही जाना पड़ेगा, पीछे चले आता हूँ ना जहाँ से आया था, वहाँ पर बहुत सारा, ये रहा ये रहा, यहाँ से आते थोड़ा बहुत स्टोन, टूट भाई टूट, चल 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 रात होने वाली है भाई, मैंने बेड भी नहीं बनाया भाई, मंडे मंडे का लगता है पहले दिन रात है, यहाँ रखते हैं बेड, उसके बाद सबसे पहले बनाते हैं क्या बोल रहा मैं, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग क्राफ्टिंग क्या क्राफ्टिंग टेबल लगते हैं यहाँ पर, और बेड यहाँ पर लगाते हैं और फटाफट से सो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दिमाग ख़राब किया मेरा। चलो ओके नींद बन गई, मैं नींद हो गई। चलो अब क्राफ्टिंग बिल्डिंग ये क्राफ्ट, अबे यार तोड़ क्यों दी, लगानी थी वापस, ये वापस रखी क्राफ्टिंग एंड टेबल। और अब क्या करना है इसका, हमें चाहिए फर्नेस, फर्नेस के लिए यहाँ से कोई बात नहीं स्टोन इकट्ठा कर लेंगे, यहीं पर अपना स्टोन है जहाँ से तो यहाँ पर आया था। चलो ज़्यादा नहीं फर्नेस में बन जाते हैं, 8 में बन जाता है फर्नेस, ठीक है। तो ओके हो गया हमारे पास, मैं 9 हो गया, ठीक है। तो अब बनाते हैं एक फर्नेस, फर्नेस बन गया, अब हमें बनाना है एक स्मोकर, हमें एक और मतलब एक और 8 और जमा करने पड़ेंगे। अब क्यों, स्मोकर के लिए इस्तेमाल हो गया भाई वो, अब 8 और जमा कर लेते हैं, 5 हो गए 6 हो गए 7 और ये 8, ठीक है। अब हमारा बन जाए फर्नेस, अब एक में हम चढ़ा देंगे आयरन स्मेल करने को और एक में चढ़ा देंगे हम फूड इस्तेमाल करने को, ठीक है। तो यहाँ पर रखा इसको और थोड़ा सा कोल डाला, ज़्यादा नहीं इतना सा डाल देते हैं, तो मैं भाई कोल हाँ बस इतना डाल दो, अभी आयरन डाल देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर रखते हैं अपना स्मोकर और इसके अंदर डाल देते थोड़ा सा फूड, तो फूड अपने स्मेल होता रहेगा, कुकड़ हो जाएगा फूड, फिर कुक खा लेंगे अपना और अपनी प्यारी सी ज़िंदगी गुजरेगी,
उसके बाद फिर अपने घर वर का सोचेंगे कि क्या करना है, जगह ढूंढेंगे कहाँ घर बनाने का फ्यूचर में। ओके, तो वहाँ पर हम ट्री हाउस बनाएंगे और अपने लिए एक प्यारा सा कैसल या मेडिवल हाउस, प्यारा सा अच्छा सा कुछ देखेंगे। ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो उसको यूज़ करते हुए मैं अच्छे से कुछ बनाऊँगा। तो अभी के लिए फूड, उससे पहले तीन दोबारा करें तो ओके, अपना ये फूड कुक होता रहेगा। स्मोकर में तुम खुद देखो ना कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, अभी मैं ये फ्रंट डेस्क रख दूँ तो इतने टाइम टाइम से होता रहेगा। एक काम करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रखते हैं, आप मेरे जबान पे आ गए नाम से इसे, तो आप क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखते हैं, आयरन सारा उठा देते हैं ऐसे। अब आयरन का क्या, अब वुड है मेरे पास, क्या वुड है, ओके। अब हम चलते हैं, स्टिक बनाते हैं थोड़ी सी, और अभी हमें चाहिए, पहले हमें अपने हथियार मुकम्मल करने। ठीक है, सॉर्ड हो गए हमारे पास, सक्सेस तो मैंने ट्रैक की बात है, डायमंड का समाइन करेंगे, दोबारा से स्टिक बनाते हैं। अभी हमारे पास चाहिए, क्या हुआ, अरे यार आयरन ख़त्म हो गया, आयरन कमी थोड़ी है यहाँ पर, बहुत सारा है। हाँ, दो हो गया, ये तीन हो गया, अभी हमारे एग भी बन जाएगी, मतलब पिक्सेस और मिक्स चावल का काम होता है क्या, रख लेते हैं, क्या बात है, पता नहीं जरूरत पड़ी है। अब इसको यहाँ सेटिंग कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, स्टोन के टूल्स मैं अभी अंदर खरीदता हूँ, पता कब काम आ जाए यार, कुछ पता नहीं होता, इसको भी यहाँ करते हैं। ठीक है, हमारा हाँ फूड भी हो गया, फूड भी कलेक्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि अभी और फूड भी जमा करना पड़ेगा, तो देख लेंगे उसके हिसाब से, बाद में दोबारा के कुक कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अभी आयरन लेके हमें फ्लिंट एंड स्टील बना लेते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट कुक फूड मिले, ताकि रीटेंशन खत्म हो जाए, बाहर कुक करने की कोई ज़्यादा करने की। ठीक है, तो यहाँ सारा आयरन स्मेल्ट हो जाए, उसके बाद फिर मिलते हैं तुमसे। तो ओके गाइस, सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, सिर्फ वन और रहता है, और ये भी कोल यहीं से उठा लेते हैं वापस, और ये भी हो गया। चलो अब हम वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हमें अपना बिल्ड बनाना है, समझ लो, जहाँ पर हम अपना प्यारा सा हाउस बिल्ड करेंगे, बिल्कुल खूबसूरत सा। इतनी देर से ढूंढने जा रहा हूँ, यार मुझे कुछ भी प्लेन जगह नहीं मिल रही, पूरी थकान हो गई, लेकिन जगह कुछ भी मेरे हिसाब की नहीं मिल रही जो मैं चाह रहा हूँ, और ये जगह मुझे को थोड़ी प्लेन लग रही है, अगर समझ आ गई तो डन करते हैं इस जगह को। और ये जगह मेरे ख्याल से तो अच्छी है भाई, सूटेबल है, यहाँ पर मैंने शायद आगे भाई लावा पूल भी देखा है, और मैं घूम के वापस शायद यहीं पर आ गया, हाँ शायद मैं घूम के वापस यहीं पर आ गया। खैर यहीं पर मैं सोच रहा हूँ अपना हाउस बिल्ड करेंगे जितना भी होगा। तो आज देखो हमने अपना क्या कहते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर लेते हैं ना, यहाँ पर अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर लेते हैं, ओके, ताकि भाई कभी भी हमारा कुछ भी हो रिस्पॉन्ड हो के साथ दोबारा हम यहाँ पर आ सकें। ठीक है, फर्नेस स्मोकर वगैरह सारी चीज़ें यहीं लगाए थे, यहाँ पर अपनी क्राफ्ट टेबल, यहाँ पर फर्नेस, यहाँ पर अपना स्मोकर। ठीक है, और एक चेस्ट भी बना लेते हैं यार, ताकि जो फालतू एरा वगैरह सामान है वो इधर उधर, मतलब चेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ताकि यार इधर उधर ना हो, क्योंकि अभी हमें एक ही चीज़ बिल्कुल कीमती है, मैं चूँकि अभी नया वर्ल्ड है, इसमें एक एक चीज़ की ना बिल्कुल एक एक चीज़ की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो आठ उसकी एक चेस बना लेते हैं, ओके चेस बन गई। अब चेस को हम लगा देते हैं, बैठ के एकदम सराहने लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। और अब देखो ये स्टोन के टूल्स मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी फाइल जितने भी, देखो आयरन का भी कुछ काम नहीं है, वैसे हम और चीज़ें बना सकते हैं, चेस प्लेट वगैरह कुछ भी उसके, तो फ्लिंट एंड स्टील बनाना है ना, तो एक आयरन रख के बाकी देखते हैं। एंड अगर मैं ये बनाऊँ, हाँ तो एक आयरन बचेगा ना, फ्लिंट एंड स्टील मिल गया तो ओके, तो मेरे ख्याल से एक आयरन हम ये रख देते हैं यहाँ पर, ओके, तो मेरे ख्याल से कोल भी रख देते हैं यार, पता लगा कुछ भी उसका ना, बस अब ये देखो ये सारी चीज़ें डन हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत फूड खा लेते हैं, और मेरे ख्याल से ज़मीन मुझे समझ आ गई है, यहाँ पर अपना बिल्ड बहुत प्यारा लगेगा, और एकदम खूबसूरत सा बनाऊँगा, बिल्कुल ओल्ड डिज़ाइन का, समझ लो, बिल्कुल बहुत प्यारा सा। और यहाँ पर हमारा ट्री हाउस भी होगा आगे की तरफ थोड़े आके, और वहाँ पर हमारा फार्म होगा प्यारा सा, और इस ग्राफिक में खेलने का भाई अलग ही मजा है, सही है। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।